पे शुरू हो चुका है। इन तीन दिनों में उत्तराखंड के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए और 2025 तक राज्य को आकर कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। तो सशक्त उत्तराखंड के विषय पर इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। साल 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो ऐसे में उत्तराखंड कितना विकसित होगा, आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ाए जाएंगे, इस विषय पर यह चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। देखिए, उसमें नीति आयोग के माध्यम से ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे सेक्रेटरीज रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे, 24 तारीख को मंत्रियों को भेजा गया, मंत्री जी वहां पर रहेंगे और उसमें जो चिंतन निकल कर आएगा उसके अनुरूप हम उत्तराखंड की योजना बनाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मानना है कि 25 वर्ष होने पे, यानी कि 2025 में जब हम 25 वर्ष के होंगे उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में विकसित होकर आगे आए, तो हम सभी लोग उसमें मसूरी में जो मंथन शिविर हो रहा है उसमें हम लोग बैठ रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग अलग सत्रों में बातचीत होगी। उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में शुरू हो चुका है। राज्य 2025 तक जब 25 सालों का होगा तो कितना विकसित होगा, आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ाए जाएंगे, राज्य में प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाएगा, रोजगार के संसाधन कितने विकसित किए जाएंगे और पहाड़ों से पलायन कैसे खत्म होगा, इस गहन चिंतन को लेकर ये पूरा चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। 22 तारीख को यानी 22 नवंबर को जहां पहले दिन मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठेंगे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे कि आखिरकार राज्य के उनके विभागों की प्लानिंग क्या है, तो वहीं अगले दिन तमाम जो मंत्री हैं वो अपने विभागों का ब्यौरा देंगे। यानी राज्य सरकार चाहती है कि इस चिंतन शिविर से एक ऐसा अमृत निकले जो 2025 तक उत्तराखंड को और सशक्त और मजबूत और विकसित करे। ब्रिटिश जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र।